में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश का उल्लंघन करने पर प्रदेश में अब तक 10,05,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर अध्यादेश के अन्य नियमों में लापरवाही बरतने पर अब तक 23,52,00,000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूल कर चुका है। उसके बाद अभी भी सख्ती का दौर जारी है। ये कार्रवाइयाँ और जुर्माना वसूली तो केवल पुलिस की है, सामान्य प्रशासन और स्थानीय निकायों की कार्रवाई और जुर्माना राशि इसमें अलग है। हाल में शादियों के दौर में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन और निगम ने कई कार्रवाइयाँ कर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला है। मास्क नहीं लगाने पर 3,50,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3,50,000, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14,135 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं रखने पर 6,37,755 व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब और गुटखा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह कोरोना गाइडलाइन तथा क्वारंटाइन के मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3,780 FIR दर्ज करके 9,808 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।